सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? गाइस वेलकम बैक। फाइनली हम लोग खेलने वाले वापस से पोकेमॉन गेम्स। तो आज हम लोग शुरू करने वाले पोकेमॉन ज़ेनोवर्स के साथ, और ये वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन गेम है मेरे हिसाब से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस न्यू गेम। और हम लोग खेलने वाले हैं मॉडर्न मोड, क्योंकि मॉडर्न मोड में तुम अगर एक पोकेमॉन से खेलते हो तो तुम्हें दूसरे पोकेमॉन को भी एक्सपी ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, जो कि अपने लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो वी आर गोइंग टू प्ले मॉडर्न मोड। तो मॉडर्न मोड के साथ ही अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब देखते हैं, ब्लैंक स्क्रीन आ रही है आगे। ओ अंकल, आई कांट वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ कम इन। ओके लेट्स गो गाइस, अपन को बुला रहे हैं अंदर। और नर्स ने बताया, तो वी आर गोइंग टू गेट बॉय कैरेक्टर। गर्ल कैरेक्टर के साथ तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा, उसमें खेलेंगे कभी ना कभी पोकेमॉन की, बट मोस्टली अपन बॉय कैरेक्टर से ही खेलेंगे, क्योंकि मैं भी बॉय हूँ भाई। सो लेट्स गो। ओके, तो ये अपने मॉम एंड डैड हैं। तो नेम तो मैं नहीं देने वाला, जो मेन कैरेक्टर का नेम है अभी अपन वही यूज़ करते जाएंगे, नहीं तो पिछली बार अपन मैक्स देते थे, तो इस बार अपन सिर्फ जो मेन कैरेक्टर का नाम है वही देंगे, कोई और दूसरा नेम यूज़ नहीं करने वाले। तो यस, ऐसा ही होगा आज से। ओ ये फ्यू ईयर्स लेटर, लेट गेट अप। ओ ये देखो, छोटू सा मैं हूँ, कितना क्यूट है वो। रेड बाल है भाई मेरे, क्योंकि मेरे डैड के भी रेड बाल है, तो ये अपने पापा पे गया है। सो गाइज, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और गाइज मेरे को नहीं पता कि और कितनी अपन को टाइम लग जाएगा ये वाला जो कट सीन है ये कंप्लीट करने में। आई डोंट नो मैम। ओके, तो अभी अपन को अपने पापा लेके जा रहे हैं बाहर। और गाइज, ये पोकेमॉन ज़ेनोवर्स मेरा फेवरेट गेम है, वन ऑफ द पोकेमॉन गेम्स में, क्योंकि गाइज ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया था, तो अभी मैंने सोचा क्यों ना इसे खेला जाए एक बार और ट्राई करते हैं, क्या पता अपने चैनल पर भी चल जाए। और गाइज अभी मेरा पोकेमॉन एडवेंचर स्ट्राइक चैप्टर वाला वीडियो देख के आओ, बहुत मज़ेदार वीडियो है। और काफ़ी दिनों बाद वो गेम खेली थी तो मुझे थोड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ गई, पता नहीं क्यों, बट वो मेरे चैनल के सक्सेस का एक काइंड ऑफ पार्ट था, क्योंकि जब मैंने एडवेंचर स्ट्राइक चैप्टर वाली वीडियो डाली तब वो इतनी ज़्यादा धूम मचा दी जो मैंने सोची भी नहीं थी। पहले मेरे रैंडम वीडियोज़ को बस 10 के नीचे व्यूज़ आते थे, और वो वीडियो ने मुझे 26 व्यूज़ दे दिए थे, और वो वीडियो का वो वाला दिन मैं आज तक नहीं भूल सकता भाई, थैंक यू सो मच। इसलिए मैंने वो गेम को क्विट करने की नहीं सोची, और ये सोचा कि उसकी सेफ फाइल्स ढूंढते हैं ओल्ड डिवाइस में और उसे न्यू डिवाइस में रन करने की कोशिश करते हैं। तो दैट वॉज माई प्लान फॉर एडवेंचर चैप्टर। और फिलहाल तो अपने पापा अपने को लेके जा रहे हो, और ये किसकी मूर्ति है? आई डोंट नो, दिस इज़ लिटल मेमोरियल ऑफ के। ओ तो ये हम मेरे ग्रैंडफादर की है, ग्रैंडफादर की। और एक तो यार अपन कितने क्यूट दिख रहे हैं, अपनी आंखें देखो कितनी छोटी छोटी सी है, छोटी छोटी भाई। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे अचानक पता नहीं क्या हो गया, अपने डैड अपन को लेके जा रहे हैं फटाफट वहाँ। ओ वहाँ पे 3 पोकेबॉल्स है क्या? हम लोगों का हमारा स्टार्टर पोकेबॉल मिलने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। मैं तो ट्राई शॉट को चुनने वाला हूँ, क्योंकि ट्राई शॉट मेरा फेवरेट है। आई वांट गेट अ ट्राई शॉट। ओके लेट्स सी। ओ ट्राई शॉट, यू आर माय फेवरेट। तो दूसरे कौन है? शाइलियन शुलोंग। ट्राई शॉट लेने वाले हैं हम लोग ऑब्वियसली। शुलोंग ड्रैगन टाइप तो है, लेकिन फिर भी ट्राई शॉट लेंगे, क्योंकि वो एक नया टाइप का पोकेमॉन है। साउंड, क्या पता साउंड ड्रैगन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, मेरे को नहीं पता, मेरे को नूब मत बोल देना कि अगर गलती से वो निकल गया कमज़ोर ड्रैगन से। तो एक फ्रेंड पीछे एक मिस्टीरियस बंदा है। ब्रो व्हाट आर यू डूइंग हियर? ओ शिट, उसके पास टायरानिटार है। फूक, उसके पास टायरानिटार है भाई, भागो। मजाक नहीं, भागो। ऐसे ऐसे डेंजर पोकेमॉन दिखे तो नहीं रहते वहाँ, भागो भाई। ओ इट वॉज अ ड्रीम आई थिंक, क्योंकि हम लोग देखो अचानक चेंज हो गए। क्या हो गया? ओके मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, बट स्टिल लेट्स सी। ओ ट्राई शॉट, कितना क्यूट है हमारा। ओ माय गॉड, तो इट्स बेटर टू गो डाउन स्टेयर्स लिख के आया, तो चलो नीचे चलते हैं। और वहाँ पे देखो नाइटेंडो स्विच जैसा कुछ बना हुआ है, क्या हम लोग इसे छू सकते हैं? उसके अंदर से अगर हम लोग स्वॉर्ड एंड शील्ड वगैरह खेल पाए तो, है ना है ना है ना? ओके मजाक कर रहा हूँ, नीचे चलते हैं, क्योंकि नीचे जाना इज़ अवर मेन पर्पस। ओ पहुँचा क्या तू?
अबे क्या हो गया, कंट्रोलर क्यों नहीं चल रहा? ओके क्या हो गया? वो तेरे पोकी बॉल है, वो ले लेते पहले। ट्रैश आउट पोकी बॉल, ओ वो ट्रैश आउट का पोकी बॉल है। और ये रहा नाइट इंटू स्विच, इसे देखते हैं कंट्रोल करके। गाइस मैंने तो आप लोगों को एक खुशखबरी दी ही नहीं, मेरी जो एग्ज़ाम है ना वो ख़त्म हो गई है फाइनली। अब वीडियोस आ सकती है बहुत देर तक, तो ये तो एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, नहीं तो फिर मैं और रिकॉर्ड करने की सोच रहा हूँ। बट ये गेम हमने नई नई शुरू की है और अभी मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम भी लग रहा है, तो मेरे ख्याल से हमें कुछ सीरीज़ को बंद करना होगा इस चैनल पर। हाँ तो जो सीरीज़ है जो मैं सोचूँगा अभी आगे कि कौन से गेम्स को हमें थोड़े देर के लिए बंद कर देना चाहिए। और बट मुझे इतना पता है कि हम लोग कौन से गेम्स कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो है पोकेमॉन एडवेंचर्स रेड चैप्टर, पोकेमॉन हार्ट गोल्ड और फिर जेंशन इम्पैक्ट। वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा अभी थोड़े ही दिनों में, मतलब अभी तो बहुत पार्ट्स बाकी है उसके, बट फिर भी जेंशन इम्पैक्ट थोड़े जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर अपन ने उसकी DLCs नहीं खरीदी तो, आई मीन नहीं खेली तो। और फिर उसके बाद और कौन सा गेम हम लोग कंटिन्यू करें? फिलहाल तो यही तीन है। और जो माइनक्राफ्ट है उसको मैं फ़िलहाल बंद रखने वाला हूँ, तो माइनक्राफ्ट फैंस सॉरी बट फिलहाल माइनक्राफ्ट बंद ही होगा, उसके पार्ट 3 को बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो कीप पेशेंस, माइनक्राफ्ट मिल जाएगा आप लोगों को जल्दी पार्ट 3 यू नो। और तुम लोग बताओ भाई क्या चल रहा है तुम्हारे ज़िंदगी में, क्योंकि इधर गेम में तो कुछ खास नहीं चल रहा है। ट्राई शॉट कैसे प्लान्स दे रहा है? घर से बाहर चलते हैं, चलो घर से बाहर चलते हैं। भाई उतनी बड़ी बिल्डिंग से कूद कैसे रहे हैं लोग, मतलब ये लोग उतने ऊपर से कूदेंगे भाई सच में? ब्रो यार क्या हो रहा है ये आजकल, क्या क्या होता है गेम पोकेमॉन के। छोड़ो फिर ट्रेंडिंग गेम है, जो दिखाएंगे वही देखना है। एंड व्हाट इज दिस ब्रो, हम लोग आ गए हैं भाई, इतने बड़े घर से वो लोग कूद गए और उनको एक खरोच तक नहीं आई। वाह भाई वाह। और गाइस आप में से कौन कौन लोगों के पेपर अभी ख़त्म हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताओ यार, क्योंकि अभी कैसा सबकी फाइनल एग्ज़ाम्स पास में, अभी दिसंबर शुरू हो जाएगा महीना है। और हाँ दिसंबर को होती है हमारे चैनल एनिवर्सरी, जो कि होता है 31 दिसंबर को, तो हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ हमारे चैनल की एनिवर्सरी भी आ जाएंगी विच इज़ गुड। सो प्लीज़ मेरे तब तक 100 सब्सक्राइबर्स करा देना यार प्लीज़, ताकि फिर मैं भी खुश हो सकूँ और 100 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना सकूं। सो ये और मेरा बर्थडे था अभी अक्टूबर में, तो मेरे को लगा कि तब तक मेरे 100 हो जाएंगे तो मैं तभी स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन नहीं हुए यार बर्थडे तक। 23 अक्टूबर को बर्थडे था मेरा, तो मैं ना बीच में एक वीडियो भी डालने वाला था, देख आ गया अच्छा हाँ, तो मैं ना बीच में एक वीडियो भी डालने वाला था कि अभी मेरा बर्थडे, बट तब ना मेरी एग्ज़ाम्स चल रही थी, तो मैंने सोचा कि रहने देते हैं, जब चैनल की एनिवर्सरी पास में आएंगी तब हम लोग करेंगे हमारे 100 सब्सक्राइबर्स का ये नोटिस। तो हाँ मैंने तुम लोगों को नोटिस दे दिया, मेरा काम था नोटिस देना, तुम लोगों का काम है वो सब्सक्राइब बटन को दबाना यार, अभी के अभी दबाओ सब्सक्राइब बटन। हाँ मेरे को 100 सब्सक्राइबर्स दिख जाने चाहिए इस वीडियोज़ के बाद। अब वीडियोज़ भाई मेरी टंग को क्या हो जाता है बीच वीडियोज़ में, ऐसे तैसे तो मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ, बट वीडियो के वक्त ही मेरी टंग एकदम अजीब हो जाती है। और हाँ मुझे इस गेम की भी टिप्स दो यार, ये गेम तो नया नया है, वो गेम तो फिर भी मैं कैसे ना कैसे हैंडल कर लूँगा, ये गेम में बहुत सारे कंट्रोल्स पे, इसका जो एम्यूलेटर है जो मैं खेल रहा हूँ जॉय प्ले उस पे भाई बहुत सारे कंट्रोल्स है, तो मेरे को बताओ कि कौन से कंट्रोल से क्या होता है यार, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। सो या इस गेम को भी हम लोग आके कंटिन्यू करें। ओ भाई कोई अननोन बंदा है वहाँ, एक सेकेंड उधर एक दादी है, बस मेरे को तो दादी दिखी है, शायद दादी होगी, हाँ दादी ही है। ओ ये दादी तो हमारे मॉम की नहीं सॉरी डैड की मॉम है, मेरे को नहीं पता बेसिकली, मेरा थोड़ी काम है सब जानना भाई। वो हमें पोकेबॉल्स दी शायद, मेरे को नहीं पता। वाइल्ड बैटल एनकाउंटर्ड, ओके ये क्या है, बाप रे वीडल आ गया मैं वीडल से डर गया मेरे को लगा कोई नया फॉर्म वॉर्म आया, जब वो थोड़ा अटक नहीं गया था तब मैंने देखा कोई फॉर्म आया, फिर मैंने देखा कि ये वीडल है
ओके ट्राई आउट लेट्स गो भाई विंडल क्या ही कर लेगा मेरे ट्राई आउट को। इफ़ यू यूज हंड्रेड ऑफ विडल देन इट्स पॉसिबल टू मेक वन ट्राई आउट मेरे हिसाब से। बट विडल का जो फाइनल फॉर्म होता है विडरिल वो थोड़ा एपिक लगता है क्योंकि उसका मेगा एवोल्यूशन तक है। सोचो कितना एपिक होगा। तो या अगर हम लोग मेगा विडरिल यूज़ करते तो आराम से ट्राई आउट को बीट कर देगी वो। बट अगर ट्राई आउट अपने फाइनल फॉर्म में होगा तो बस मेगा विडरिल नहीं बीट कर सकती उसको। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। और हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे घर के आगे बट हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारी मम्मी हमें पकड़ लेगी क्योंकि हम लोग घर से भाग गए। हम तो नूब है हमें थोड़ी पता दुनिया कैसे चलती है। वैसे पोकेमॉन वर्ल्ड है और ज़्यादा मेरे को पता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में ना लोग ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं ईविल टीम्स छोड़ के क्योंकि उनका काम है भाई ईविल होना। बट बाकी के जो लोग होते हैं ना अच्छे ही होते हैं भाई जहाँ तक मैंने पोकेमॉन देखा है मेरे को पता है। तो मेरे ख्याल से बाकी के जो बच्चे होते हैं ना बच्चे नहीं बाकी के जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे होते हैं शायद। पोकेमॉन वर्ल्ड में बोल रहा हूँ रियल दुनिया में तो दुनिया जालिम है। ओके मैं चल कैसा रहा हूँ यार बोला ना मेरे को कंट्रोल्स नहीं आते इस गेम के। ओके पोकेबॉल ले रहा हूँ अब मैं क्योंकि वो दिख गई मेरे को अचानक मैं पीछे जा रहा था तो। अरे यार चलो ना जल्दी कंट्रोलर्स कैसे है। ओके मैं पीछे जा रहा हूँ वापस यार पीछे है शायद कुछ क्लू वगैरह मेरे को नहीं पता यार। प्लीज़ इस गेम के बारे में मेरे को थोड़ा बताओ आप लोग क्योंकि मेरे को ये गेम नहीं पता इतने अच्छे से। ठीक है ना बताना इस गेम में क्या करना पड़ता है क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता यार। आई एम नूब सर्टिफाइड नूब। वो हमारी मॉम आ गई। अरे भाई वो एनिमेशन देखो वहाँ कैसा बना हुआ है। मम्मी पूरी गुस्से में बेटा। ओके व्हाट कैन वी डू नाउ। हम लोग बैटल करने वाले हैं अपने मम्मी के साथ सच में। ओ मम्मी गुस्से में है। अब शांत हो गई मम्मी। अभी हमें जाने देंगे पोकेमॉन वर्ल्ड में एक्सप्लोर करने। तो अभी हम लोग अरे यार मम्मी को एंड में बैटल करनी थी हमसे तो मम्मी ने सीधे सीधे क्यों नहीं बोला यार। वो भाई इसमें पोकेमॉन सनानमून जैसा है वो जैसा एनिमेशन आया अभी वो सनानमून में भी वैसा ही था। यू आर चैलेंजेड बाय क्या नाम था उसका यंगस्टर जोसेफ क्या नाम होता है भाई उनका तुम्हें पता है ना। तुम लोगों को सब पता रहता है यार। ओके जिगली पफ थी मेरे मम्मी के पास। मेरी मम्मी की टीम अच्छी नहीं है यार बट हमारे पास है ये डेंजर सा ट्राई शाउट जो बड़ा होने के बाद बन जाएगा ऑल डेंजर। तो हमारा बेसिक काम इस गेम में है कि हमें फटाफट सारे जेनो पोकेमॉन्स पकड़ने या फिर क्या बोलते हैं एक्स पोकेमॉन जेड पोकेमॉन आई डोंट नो मैम मेरे लिए नहीं है ये गेम तो नहीं है। हाँ ओके क्या करे बे ये स्लीप पफ ने तो स्लीप वाला अटैक कर लिया। व्हाट कैन वी डू नाउ मुझे कुछ समझ नहीं रहा। अबे तू उठना भाई कितना सोता है मेरे से ज़्यादा सो रहा है ट्राशा उठ। व्हाट इज दिस ब्रो तो मैं माइक के अंदर घुस घुस के बोल देता हूँ पूरा फूक उड़ जाती है यार। यार जिगली पफ तू क्या कर रही है प्लीज़ ना उठ जाना ट्राई आउट कोई भाई उठना। अबे तू मर जाएगा ऐसे से येड़े उठ उठ जा उठ उठ जा बेटे भाई उठ नहीं रहा ट्राई आउट कितने देर स्लीप होगा। अबे भाई मेरे को दूसरे पोकेमॉन्स पकड़ने होंगे मैं इस ट्राई आउट पे। ओ उठ गया ये यार पता भी नहीं चलता बे मार दिया उसने एम्बर। ओ शिट 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 गए हम लोग गंदे में गए। अरे बच गए अरे बच गए बच गए। तो गाइस इसी के साथ ट्राई आउट को मिल चुकी है एक्सपी तो अब देखते हैं हमारी स्पीड डिफेंस सब बढ़ गया है।
बट एचपी तो काफ़ी कम बची है यार ट्रैश आउट की, हम क्या करें। तो मॉम ने हमें काफ़ी ज़्यादा टफ बैटल दिया है। क्या पता भाई, मेरे को नहीं पता था कि हमारी मम्मी भी इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, ट्रेनर है। लेट्स सी। ओ मम्मी, क्या मैं जा सकता हूँ? प्लीज़ जाने दो यार, प्लीज़। मैं एपिसोड्स कैसे डाल पाऊँगा फिर अगर आपने मुझे नहीं जाने दिया तो? इट्स ऑल अबाउट मम्मी डिसीजन नाउ। मम्मी जाने दो प्लीज़। मैंने तो आपको हरा भी दिया, देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, अब तो जान दो। तो क्या मैं जा सकता हूँ प्लीज़? क्या यार, अरे वाह, हम शायद जा सकते हैं। ओ यस, हम लोग जा सकते हैं गाइस, वी आर परमिटेड। घूमने के लिए हम लोग कभी परमिटेड है, हम लोग कहीं पे भी घूम सकते हैं। लेट्स गो। सो व्हाट इज दिस? आगे आने वाले फॉरेस्ट की फोटोज। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कुछ खास है, रूट बने ये क्या है भाई, इधर कोई फॉरेस्ट भी नहीं। अच्छा, पोकेमॉन ज़ेनोवर्स का लोगो आ गया है। आप लोगों को ढंग से नहीं दिख रहा होगा, मेरे को दिख रहा है क्योंकि मैं गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर एस्ट्रा एस्पेरा क्या है भाई ये? ओ भाई, इसमें अचीवमेंट्स है पोकेमॉन अनबाउंड जैसी। पोकेमॉन अनबाउंड से याद आया, हमें तो बंद ही कर दी। छोड़ो, उसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे गाइस। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, खाना खा लेना, बाय बाय।